कोविशील्ड वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज में 12 से 16 सप्ताह का अंतर, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। वाराणसी में गंगा नदी में बहते मिले 4 शव, गाजीपुर में लाशों के प्रवाह पर रोक। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में आई कमी, 24 घंटे में सामने आए 17,775 नए केस, 281 लोगों की हुई मौत। आईजी के संज्ञान लेने के बाद जागी खीरी पुलिस, दर्ज किया रेप का मुकदमा। यूपी में कोविड ड्यूटी पर लगे सरकारी डॉक्टरों ने दिया इस्तीफा, प्रशासन में मचा हड़कंप। पशुपालन घोटाला में गिरफ्तार पूर्व डीआईजी को पत्नी की 13वीं में शामिल होने के लिए कोर्ट ने दी अनुमति। गंगा में मिले सब पर बोली प्रियंका गांधी, अकल्पनीय पीड़ा से गुजर रहे लोग मामले की न्यायिक जांच हो। योगी सरकार का दावा, देश के किसी राज्य में नहीं दी गई यूपी जितनी ऑक्सीजन, प्रदेश में कहीं कमी नहीं। इटावा में कटिया डालने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, जमकर हुई फायरिंग, दो घायल। उन्नाव में मेथा ऑयल कारोबारी का सब लहू लुहान हालत में मिला, लूट के बाद हत्या किया संभव। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।